स्टार्ट। हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। 12 मार्च 2022 मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 की एग्ज़ाम मॉर्निंग वाली शिफ्ट की हो चुकी हैं और 12 बज के 15 मिनट हो चुके हैं और बच्चे बायोमेट्रिक एग्जिट होने के बाद बाहर निकलने कुछ समय में और उनसे लाइव रिव्यू लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आज देखें संस्कृत का है। लैंग्वेज 2 में इंग्लिश का खत्म, इंग्लिश वाले सब एम्पिटेड एस्पिरेंट का ख़त्म हो चुका है और आज देख से स्टार्ट है संस्कृत का। तो जो भी एस्पिरेंट मिलता है उनसे पूछेंगे संस्कृत में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या क्या व्याकरण पूछी जा रही है। फिर मैथमेटिक्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर लास्ट में अपना EVS इन्वायरमेंट स्टडी पर्यावरण अध्ययन से पूछे जाएंगे और थोड़ी समय में बच्चे बाहर आएंगे। आगे बच्चे आगे उधर दिखा दूँ थोड़ा सा, आ रहे हैं एम्पिटेड एस्पिरेंट आ चुके हैं बाहर और उनसे जान लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज का पैटर्न क्या चेंज हुआ है। कल द्विघात समीकरण से मॉर्निंग वाली शिफ्ट में पूछे गए थे मैथमेटिक्स में और थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड EVS में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, तो जनसंख्या भी बहुत अच्छी है। महोदय, एग्ज़ाम था आपका, कितना स्कोर किया सर आपने? 91। कौन सी कैटेगरी आपकी महोदय? ओबीसी। बता सकते हो आज का पेपर कैसा था? अच्छा था पेपर, बढ़िया। अच्छा था पेपर, बिल्कुल अच्छा। कोई पैटर्न चेंज हुआ आज? नहीं, चेंज नहीं हुआ, अच्छा पेपर था। थैंक यू। और देख मैम, कितना स्कोर किया आपने? 100। कैसा था पेपर आज? पेपर तो काफ़ी इजी था, थोड़ा हार्ड वर्क की जरूरत लगी। कौन सी कैटेगरी से आप? जनरल। जनरल सर, बता सकते हो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? पेडागोजी से ज़्यादा क्वेश्चंस थे, 80% पेडागोजी से ही थे, बाकी थियोरेटिकल थे। और लैंग्वेज और हिंदी कैसे पूछी गई? अच्छी थी, गद्यांश पद्यांश के प्रश्न थे, कविताएं थी, कविताएं भी थी। अच्छा, कविताएं भी। समाज संधि द्वंद्व समाज वगैरह कुछ अच्छी था, सब था, अलंकार वगैरह, एवरीथिंग। पर्यायवाची आज पूछे गए ना? पर्यायवाची कम थे। अच्छा, आज कम थे, सब कवर सब हुआ था। और अभी आज का पेपर में संस्कृत था, लैंग्वेज 2 पास? मेरा संस्कृत नहीं था। इंग्लिश है आपका? जी, इंग्लिश में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? इंग्लिश में भी कोई गद्यांश पद्यांश कविता और synonyms and proverbs, adjective वगैरह सब पूछे गए, सब adjective verbs सब। मैथमेटिक्स बात करते हैं, मैथमेटिक्स में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? मैथमेटिक्स के सम्स थे, काफी सारे डेरिवेशंस भी थे और बाकी पेडागोजी था। अच्छा, पेडागोजी। और EVS में एनवायरनमेंट स्टडीज किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? अंतरिक्ष से थे काफी और सैटेलाइट्स वगैरह। बिल्कुल मैम ने सही है ना? थैंक यू मैम, बहुत धन्यवाद। सॉरी मैम, कितना स्कोर किया आपने? कितना किया मैम, आपने कितना किया इसको? मैम स्कोर कितना किया? 98। एक मिनट, आज आइए, अरे आजा आजा आजा। मैम कितना स्कोर किया आपने? स्कोर कितना किया? 82। आपने कितना किया मैम? मैम आपने कितना किया स्कोर? 87। भैया आपने इतना कितना स्कोर किया? 120। एक मिनट आइए, रुकिए। क्या नाम, शुभ नाम आपका? अजय प्रजापति। अजय प्रजापत, कहाँ से आप? मैं चित्तौड़गढ़, राजस्थान। अच्छा, राजस्थान से। भैया राजस्थान से है और 120 नंबर लेके आए। तो आप बता सकते हो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? मॉडरेट लेवल का ही था, ज़्यादा हाँ ठीक था पेपर। बता दीजिए स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? क्वेश्चन रेंडमली आ रहे हैं, ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि मतलब किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं, मतलब पहले मैथ के आ गए फिर बीच में, मतलब मिक्स में आ रहे हैं, ऐसा कोई सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, पहले एक स्टेप बाय स्टेप आ रहे थे अभी मिक्स आ रहे हैं। हाँ बस ये बात करते हैं, हिंदी भाषा किस प्रकार पूछी गई? मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मॉडरेट लेवल का ही पेपर था, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, ज़्यादा सिंपल। हिंदी बता दीजिए, हिंदी में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? हिंदी में जैसे एक पैसेज आया था, एक पोएम आई थी और थोड़े बहुत ग्रामेटिकल क्वेश्चन थे, उसके अलावा पेडागोजी वाले क्वेश्चन आए थे बाकी। और गद्यांश और पद्यांश में किस ज़्यादा 10 से 12 लाइन वाले थे कि कैसे क्या थे? नहीं मतलब हाँ लगभग 12 से 15 लाइन वाले क्वेश्चन इससे ज़्यादा हार्ड। हाँ, और डिफिकल्ट लैंग्वेज तो हिंदी में नहीं है, बिल्कुल ईजी वगैरह, ईजी थी, ईजी क्वेश्चन थे। और समास अलंकार वगैरह कुछ पूछे गए? नहीं ये कुछ नहीं आया, मतलब क्वेश्चन जो थे एक पद्यांश में से थे और गद्यांश में से थे, इसके अलावा एक शब्द शुद्धि का क्वेश्चन था, बस इस तरीके के क्वेश्चन थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे। ग्रामर बहुत कम थी, एक या दो क्वेश्चन थे ग्रामर। अब इससे पूछ लेते हैं हम, अपने लैंग्वेज 2 क्या थी आपकी? लैंग्वेज 2 मेरी हिंदी थी। हिंदी थी? फर्स्ट इंग्लिश थी, सेकंड हिंदी थी। अच्छा, इंग्लिश में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे?
इंग्लिश में भी एक पोएम थी, एक पैसेज, और थोड़े ग्रामर के क्वेश्चन उसमें ज़्यादा थे। अच्छा, ग्रामर लगभग अपन मान सकते हैं 8 से 10 क्वेश्चन ग्रामर के थे। ग्रामर में कौन कौन से चैप्टर से पूछे क्वेश्चन? ग्रामर से आए, वर्ब से आए, प्रीपोजिशन से आए, कंजक्शन से आए, बस इन प्रोवर्ब से पूछे गए? नहीं, प्रोवर्ब नहीं, कंजक्शन आर्टिकल से, आर्टिकल से नहीं आया। प्रीपोजिशन से तो पूछा गया। हाँ, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इनसे ही क्वेश्चन आया। सिंटैक्स वगैरह इनसे क्वेश्चन बना? नहीं नहीं, इनसे नहीं बना। इनसे सिंटैक्स भी क्वेश्चन? हाँ, इनसे क्वेश्चन नहीं बना। और इससे पूछा गया अपने पास एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन वगैरह? नहीं नहीं, बिल्कुल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? नहीं, ये भी नहीं आया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी नहीं पूछा? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, पोएम से मैं आपको एंटोनियम सुनियम पूछा गया? नहीं, बस पोएम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं बस वही थे, उसके बाहर कुछ नहीं। मैथमेटिक्स में 2-3 क्वेश्चन हार्ड थे, बाकी ओवरऑल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स। हाँ, और मैथमेटिक्स में किस चैप्टर से, रेखागणित से किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेंगे? रेखागणित से नहीं आए, एक इक्वेशन से आए, जो द्विघात समीकरण होती है ना, वहाँ से क्वेश्चन आए, बाकी रेखागणित से क्वेश्चन नहीं आए। अब आपने रीड दिया था? हाँ, रीड दिया था। में कितने नंबर आया था? मैं 135 स्कोर। 135 मेरा एनालिसिस जा रहा है, 10-15 नंबर 20 नीचे आते हैं। हाँ, तो आपको राजस्थान रीड से बजाय एमपीटेट का एग्जाम पेपर कैसा लगा आपको? मैंने राजस्थान में लेवल सेकंड था मेरा, और इसमें लेवल फर्स्ट था, तो पेपर कैसा ठीक था? पेपर मतलब इजी था यहाँ से। हाँ, ये वाला इजी था। ये वाला इजी था। अब बात करते हैं ईवीएस में एनवायरनमेंट स्टडीज़ किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? ईवीएस के भी, ईवीएस के मतलब अगर पूरे सेक्शन की अगर अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा सिंपल ईवीएस में आए थे क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन आ गया था बाल दिवस कब मनाते हैं, तो 14 नवंबर, मतलब बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन। एक सरदार सरोवर बांध वाला क्वेश्चन पूछा था। हाँ, बस इस तरीके के क्वेश्चन थे। चार पाँच क्वेश्चन अंतरिक्ष के क्वेश्चन आ गए थे। एक आर्यभट्ट वाला आ गया था, उसे कब प्रक्षेपित किया, इसके अलावा मंगल ग्रह का, उस तरह के मतलब 4-5 क्वेश्चन थे जो अंतरिक्ष में से आ गए थे। और इससे पहाड़ी क्षेत्र वगैरह से कोई पूछा गया? नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं था। अब और इससे करंट अफेयर्स से कोई क्वेश्चन आया? करंट अफेयर्स का नहीं, क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल वगैरह, एक भी क्वेश्चन नहीं था। बहुत अच्छे नंबर आपका। 2.5 घंटे में समय कम तो नहीं पड़ा बिल्कुल? मैंने 70-80 मिनट में कर लिया था पूरा। 80 मिनट में पूरा पेपर, पूरा पेपर कंप्लीट एक बार रिवाइज कर लिया था, और बाकी जो मतलब क्वेश्चन जो बचे थे वो कंप्लीट कर लिया था। अच्छा, तो आप बच्चों से किस प्रकार की तैयारी करने के लिए बोल सकते हो, क्योंकि आज के हाईएस्ट I-120 आप ही टॉपर हो? अब पता नहीं मुझे, मैं हूँ या नहीं हूँ। अच्छा। बाकी तो और दूसरे भी होंगे। हाँ, वो तो मुझे पता है। लैब में चेक किया था आपने? हाँ, लैब में सबसे हाईएस्ट मेरे थे। अच्छा, आप लैब में हाईएस्ट थे? हाँ, तो मेरे को लगता है कि आज ही आप हाईएस्ट हो, कहीं देखा जाए। तो आप बच्चों से किस प्रकार की तैयारी करने के लिए बोल सकते हो? मैं यही है जो वो चाहते हैं करना, मतलब जो आपने सोच रखा, आपने क्या डिसाइड किया हुआ एम मेरे को क्या करना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग, जैसे मेरा टीचिंग फील्ड में जाने का एम है, तो उस अकॉर्डिंग में मतलब उसी की तैयारी कर रहा हूँ। बाकी जैसे किसी का डिफेंस में जाने का है तो वो पुलिस की तैयारी कर सकते हैं, SI की, या फिर आर्मी में जा सकते हैं। तो वो यही है कि जो आप चाहते हो उसमें आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है सर, आपने अच्छे से एनालिस दिया, बहुत धन्यवाद आपको और बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। मैम, कितना स्कोर किया आपने? स्कोर कितना किया है? 92। कौन सी कैटेगरी आपकी? OBC। बता सकते हो चाइल्ड एंड पेडागोजी किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? पेडागोजी के ज़्यादा क्वेश्चन है, मतलब टफ लेवल बोल सकते हैं अपन। बहन इधर आ जाना थोड़ा सा। हाँ, और EVS में भी क्वेश्चन थे अंतरिक्ष विज्ञान से, एक आधा था, ज़्यादा नहीं थे। हाँ। उसके अलावा जैसे IPL का क्वेश्चन पूछ लिया था। अच्छा, IPL से किस रिलेटेड था? जैसे 2008 में जो IPL हुआ था। हाँ। उसमें विनर कौन था, 2008 का पहला विनर, ये क्वेश्चन था। ये पूछा गया, ये भी पूछा। MP पुलिस में 9 जनवरी को क्वेश्चन पूछा गया था, IPL कब से स्टार्ट हुआ था, तो 2008 को स्टार्ट हुआ था। और यहाँ कौन जीता था, ये पूछा। और क्या क्या पूछा गया? और इसके अलावा इंग्लिश में तो वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव यही थे, और पैराग्राफ में से पूछे थे, अलग से तो कुछ नहीं था। बाकी जो विधियाँ थी, जैसे टीचिंग मेथड्स थी, वो ज्यादा पूछी है। आ तो संस्कृत का था ना लैंग्वेज? नहीं, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश था उनका था। अच्छा, सेकंड शिफ्ट में होने का था, बहुत सारे बच्चे बोर्ड में संस्कृत। अच्छा, सेकंड शिफ्ट में संस्कृत है ना, जिसके फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश थी ना, उनके फर्स्ट में। और बता सकते बहन इधर खड़ी हो आप आराम से, और बता सकते हो हिंदी भाषा में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? हिंदी भाषा में भी मॉडरेट थे, अच्छे थे। क्या क्या पूछेगा हिंदी भाषा में? हिंदी भाषा में पर्यायवाची, विलोम शब्द पूछे, और एक और शुद्ध शुद्ध अशुद्ध पूछे। बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, एनालिसिस ऐसा सटीक एनालिसिस कौन से क्या। और इसके अलावा मैथ्स में जैसे एलजेब्रा वाले क्वेश्चंस थे, और अनुपात वाले थे। हाँ। और इसके अलावा जैसे प्लस माइनस साइन चेंज करके करना है, वो वाले थे। सिस्टम से संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, एक दो थे, और मध्य निकलते जैसे एवरेज निकालते। हाँ, ना वो वाला क्वेश्चन था। अधिका से क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, एक क्वेश्चन था उसका।
हाँ बस इस टाइप के क्वेश्चन थे। टीचिंग मेथड से ज्यादा पूछी तो टीचिंग मेथड्स पेडागोजी किसी मिस पेडागोजी किसी पूछी की मैथ्स की पेडागोजी में भी टीचिंग मेथड्स पूछी थी। फंडामेंटल पूछा गया फंडामेंटल और इंग्लिश के सब क्या पूछा गया? इंग्लिश में भी यही थे वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव इनसे ही पूछे गए और पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आपके कितने स्कोर किया आपने? 82। कौन सी कैटेगरी आपकी? ओबीसी। एक मिनट यहीं खड़े हो, खड़े हो। हाँ कितने आए? ओबीसी 82 आए। ओबीसी में बता सकते हो चाइल्ड ने पेडागोजी किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? पेडागोजी ज़्यादा थी और ठीक ही था, मतलब मॉडरेट था। मतलब एक मिनट आप खड़े हो जाइए, थोड़ा इनको कॉन्फिडेंस एकदम घबराएंगे नहीं, क्या होता है कि घबरा जाता है। और क्या क्या पूछे गए इसमें? वही पर्यायवाची शब्द और मैथमेटिक्स में भी था, एलजेब्रिक इक्वेशन और इससे आए थे क्वेश्चंस, मीन वैल्यू निकालना था। ऐसे पर्यावरण में अंतरिक्ष से भी आए थे, जैसे मंगल का और ऐसा आया था, प्लेनेट से रिलेटेड आए थे क्वेश्चंस। बहुत धन्यवाद आपको, अच्छे से रिव्यू दिया। बच्चों से किस प्रकार की तैयारी करने के लिए लास्ट में बोल सकते हो, कम शब्दों में बता दीजिए? मैं उनसे ये कहूँगी कि पेडागोजी पर भी ध्यान दिए और मैथ्स के लिए भी सारे देख लें अच्छे से, वर्ब एडवर्ब इंग्लिश में देख लें। अब आगे तो संस्कृत का है तो संस्कृत का उनके हिसाब से देख ले। आप क्या बोलोगे? पेडागोजी ज़्यादा थे। अच्छा, पेडागोजी पे पेडागोजी पे ठीक है, थैंक यू। और चेक कर लेते हैं और किसके अंदर रहते हैं नंबर। मैम पेपर था आपका, कितना स्कोर किया आपने? 85। आप मैम आ जाइए, हाँ आप भी आ जाओ। सर हमारा तो हो गया 6 तारीख को था। अच्छा, लेकिन आप बहुत अच्छा रोज करवाते हो, एनालिसिस बहुत अच्छा करवाते हो, हम रोज देखते हैं। धन्यवाद। कहाँ से हैं साहब? रतनगढ़ से। अच्छा, नीमच जिले से। हाँ, नीमच जिले। आपका? सर मेरा 17 को है। 17 को है आपका? आपके कितने आए अभी? 85। कौन सी कैटेगरी से आप? ओबीसी। बता सकते हो चाइल्ड और पेडागोजी किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? चाइल्ड वही पूछा है कि उसमें तो उसका क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं। हाँ, क्वेश्चन याद नहीं है क्या? और इसमें और लैंग्वेज में भाषा हिंदी किसे पूछेगी? इजी थी, ज़्यादा टफ नहीं थी। अच्छा, इजी थी, ज़्यादा टफ नहीं थी। हाँ, और विधिया पूछी थी कौन सी है, अनुकरण विधि से इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। और इसमें और गद्यांश और पद्यांश कैसा पूछा गया? ठीक था, ज़्यादा टफ नहीं, अच्छा था। और इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? इंग्लिश पेडालोजी से इस बार ज़्यादा पूछे इसमें। और एंटोनियम सिनोनिम पूछा गया? एंटोनियम सिनोनिम्स नहीं नहीं पूछे, ये नहीं पूछे। ए वो उसमें है ना, मतलब ऐसे जो गद्य वो था ना पैसेज वगैरह, उसमें से ऐसा पूछा था कि नाउन है, प्रोनाउन है, कंजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ये पूछा और ये वगैरह पूछा गया था। कंजेक्शन वगैरह प्रीपोजिशन आया था? प्रीपोजिशन का एक ऑप्शन में था वगैरह, और नहीं था। और मैथमेटिक्स कैसे पूछेगी? मैथमेटिक्स तो टफ थी इस बार। और इसमें ईवीएस? ईवीएस में स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे से रिव्यू दिया। मैम आप भी बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा कर रहे हो हमारे लिए। धन्यवाद। आप क्या बोलोगे बच्चों से किस प्रकार? मेरे हिसाब से कि इन्वायरमेंट को छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट पे कमांडिंग अच्छी कर लो, अच्छे निकल जाओगे, क्योंकि थोड़ी अलग ही आ रही है तो इससे। मैम ने अच्छा रिव्यू दिया है, बहुत अच्छा शानदार। थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम। और पूछ लेते हैं एक दो भैया से, थोड़ा सा बाहर ले लेते हैं, इधर पूछ लेते हैं। मैम पेपर था आपका? नहीं मैम पेपर था, मैम नहीं था, मैम पेपर था आपका? पेपर था। हाँ, कितना स्कोर किया आपने? मैंने 101। 120? 101। आपने कितना किया? जी मेरा 73 था। 73। एक मिनट आइए, इधर आइए, थोड़ा सा लाइए, आ जाओ मैम, आ जाओ मैम, आ जाओ। हम बता सकते हो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? उसमें काफ़ी मतलब टफ थे, जितना पढ़ा था उससे थोड़ा डिफरेंट था। हाँ। बट ठीक है, आ गए अच्छे खासे मार्क्स। और इसमें इंग्लिश कैसी पूछी गई? गर्ल्स के टॉपर आप ही मिले मेरे को अभी तक, 101 नंबर। अच्छा, तो आपको अच्छे से एनालिस देना है इंग्लिश के। हाँ? मतलब एडजेक्टिव पे थे। हाँ, बिल्कुल सही। प्रोनाउन था, बिल्कुल सही। और कंजक्शन पे था क्वेश्चंस, और नाउंस वगैरह थे। हाँ। अच्छा, एडवर्ब वगैरह, नाउन वगैरह तो सभी थे, बेस्ट थे। बट वो ये रहा कि थोड़ा टाइम कम पड़ गया। अच्छा, टाइम कम पड़ गया क्योंकि पैसेजेस को पढ़ना पड़ता है। जो 120 टॉपर लेके आए राजस्थान से, वो 70-80 मिनट में करके बैठ गए पेपर, तो प्रिपरेशन काफी टाइम पहले से करके बैठे होंगे। जाता है, प्रिपरेशन नहीं हो तो कुछ भी नहीं होता है। आप कहाँ से? नीमच जिले से। नीमच जिले से। अच्छा, नीमच जिले से। और बताइए कि ईवीएस किस प्रकार पूछा गया? ईवीएस में सॉइल के ऊपर क्वेश्चन थे, और जो हाँ बच्चों के लिए भ्रमण पर ले जाते हैं ना। हाँ। उसके बारे में क्वेश्चंस बहुत सारे थे। अच्छा, भ्रमण। हाँ, मतलब टूर पर ले जा रहे हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चंस थे। बिल्कुल सही है। और वो बैच के ऊपर तो कुछ भी नहीं था, मतलब अदर ही क्वेश्चंस थे वो। और क्या क्या? मैथमेटिक्स किस पूछे? मैथ्स में। आपका बैकग्राउंड क्या है? साइंस। साइंस है ना, साइंस में बता दीजिए आपकी साइंस में क्या क्या पूछा गया। आप बता रही हूँ ना, सॉइल के ऊपर था क्वेश्चंस। और आपका क्या था बैकग्राउंड?
मेरा आर्ट्स है। आर्ट्स है तो बता दीजिए आपके इसमें जीके में की बीएस में जीके में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेंगे? नॉर्मल थे क्वेश्चन, तो कोई क्वेश्चन याद आ रहा आपको? इतना तो याद नहीं है क्योंकि प्रिपरेशन की नहीं थी इतनी। तो थैंक यू मैम, अच्छे से रिव्यू दिया आपने। मैम आपका पेपर था, पेपर था कितना स्कोर किया आपने, कितना किया? जी जी भाई आप, आपने कितना स्कोर किया? मेरे 81 ही आए, ज्यादा प्रिपरेशन नहीं थी, लेकिन आपकी डेली वीडियोस देखती हूं मैं, डेली वीडियोस देखती हूं। कहां से आप? मैं नीमच से ही हूं। अच्छा नीमच से। बता और आपको बहुत फायदा मिला इससे? क्यों मिला? बहुत फायदा मिला सर, लेकिन आपने बताया ना जैसे पैटर्न चेंज होता जा रहा है डेली, और ये सच में भी अभी रिसेंट में चला कि पेडोलॉजी के से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। मैथ्स बहुत कम थी, और नासा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि शायद कौन से प्लेनेट पे उनका कुछ नाम है वो भेजा था, आई से कुछ था, और पैसेज था इलिटरेट के ऊपर, पैसेज था इलिटरेट के ऊपर पैसेज था, और हिंदी के अंदर लेखक का जैसे सुभद्रा कुमारी और ऐसे ऑप्शन दे दिए थे, और एक पोयम दे दी, ये पोयम मतलब मिट्टी नहीं, हाँ हम जैसे सिक्का है वो सोचता हूँ मैं कि मैंने बचपन में सिक्का बोया ऐसा करके कुछ वो था, तो बड़े हुआ तो उसका कुछ वो मतलब नहीं निकला, छोटे रहते तब तो कुछ भी ऐसा कुछ थी वो, और सोइल से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आया, एल्यूवियल का सोइल का आया, भांगर और खादर का। अच्छा भांगर का, भांगर और खादर से क्वेश्चन, चंबल के भीड़ वगैरह से कोई? नहीं नहीं नहीं, इससे कोई और वो ट्रिप से रिलेटेड क्वेश्चन थे कि ब्राह्मण विधि का ज़्यादा आया था। अच्छा ट्रिप से रिलेटेड, टूरिज्म से, और सैटेलाइट सिर्फ वो एक नासा वाला आया था, और इंग्लिश में तो वो इलिटरेट वाला पैसेज था। इंग्लिश में क्या क्या पूछा है? इलिटरेट वाला पैसेज और एक पोयम थी जो की वगैरह का, हाँ हमें कुछ चीज़ अगर घूम जाती है तो उसको मतलब ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए, और हाँ उसको अपन कोई बात नहीं आगे बढ़ना चाहिए ऐसा करके। ग्रामर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए? ग्रामर से रिलेटेड में मतलब ज़्यादातर पैसेज में से ही आ गए थे क्वेश्चन, तो बस उसी के ही पैसेज थे, और ग्रामर का देखे तो उसमें एडवर्ब एडजेक्टिव वगैरह ये थे, ऑप्शन में थी वो। अच्छा, बताया अच्छा, था सेंटेंस में कि इसमें से कौन सा प्रीपोजिशन। स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड याद नहीं आ रहा मुझे। चाइल्ड और पेडागोजी क्या पूछेगा, अवस्था वगैरह सब पूछेगा, प्रौढ़ावस्था एडल्ट वगैरह? वही बोल रही हूँ कि ब्राह्मण विधि वगैरह का जो था वो ज़्यादा आया, कौन सी विधियाँ ज़्यादातर आया कि प्रैक्टिकल इंडक्टिव, कौन सी मेथड से मतलब सारी मेथड से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आया कि क्या मेथड यूज़ करेगा टीचर अगर ऐसे सिचुएशन दे दी थी उसके अकॉर्डिंग। आपने एमपीटेट की कितने मंथ? मैंने सर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे, एक या दो महीने की करी थी क्योंकि मेरे बीएड की एग्ज़ाम अभी थर्ड सेम की एग्ज़ाम मैंने दी है। तो आप बच्चों से किस प्रकार की तैयारी करने के लिए बोल सकते हो? आप पेडागोजी पर फोकस करने की अभी तो ज़्यादा ज़रूरत है, पेडागोजी मुझे लगा मैथ्स में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे बस थे, लेकिन जो पेडोलॉजी से रिलेटेड मैथ्स में भी पेडोलॉजी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन थे। कोई पैटर्न चेंज तो नहीं हुआ? पैटर्न चेंज तो कुछ भी नहीं है, बस वही है कि घुमा फिरा के क्वेश्चंस ज़्यादा दिए, जैसे डायरेक्ट भाई थोंडाई के तो उसकी थ्योरी क्या होती है, ऊपर से क्वेश्चन नहीं उसको डीप भी घुमा के दिया, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि वो किसकी है। आप टीचर को पढ़ाते हो? नहीं 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 पढ़ाते, फर्स्ट टाइम ही मैंने आपको ऐसा दिया। धन्यवाद आपको, है ना, आपने अच्छा दिया। मैम पेपर था आपका? नहीं मैम पेपर था आपका, आपका आपका था, इधर आइए, मैं और मैम का पेपर था और इनसे पूछ लेते। कितना स्कोर किया मैम आपने? मैम सर 94। मैम इधर आइए थोड़ा सा, मेरे हैंड ये है। ठीक है। क्या क्या नाम सुनना है आपका? अंजना धाकड़। कहाँ से हो आप? सर जावद। जावद इधर आ जाओ। अब बता सर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? सर जैसे थानराई के इनके बारे में पूछा गया, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। हाँ, और जैसे ईवीएस में अंतरिक्ष से पूछा गया, और आईपीएल से पूछा गया क्रिकेट से रिलेटेड। हाँ, और इंग्लिश में पैसेज थे, पैसेज पोयम, उसमें एडवर्ब एडजेक्टिव और अपोजिट वर्ड पूछे उसमें, और हिंदी में भी यही था। हिंदी में क्या व्याकरण संबंधित था? व्याकरण में पैसेज। अभी संस्कृत का नहीं था ये पेपर? नहीं, 12 तारीख से स्टार्ट होना। अच्छा, शाम वाली शिफ्ट से। हाँ, अभी लैंग्वेज वन क्या था? हिंदी। हिंदी लैंग्वेज टू इंग्लिश। हाँ बिल्कुल सही। और समय तो कम नहीं पड़ा आपके? नहीं। थैंक यू मैम, अच्छे से आपने रिव्यू दिया है। और सर आपका पेपर था डियर सर? सर पेपर था आपका? पेपर था अभी है। और एक दो और आ रही हैं बहनें वगैरह, पूछ लेते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाओ। और पेपर था आपका सर? अब इसमें इधर जाओ, पेपर था क्या आपका? अभी है आपका सबका। मैम पेपर था अभी आपका? कितना स्कोर किया आपने?
96. कौन सी कैटेगरी आपकी? जनरल EWS. अच्छा EWS. बता सकते हो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी किस तरह का क्वेश्चन पूछे गए उसमें? ना ना तो जीन प्याजे पूछा गया, ना वाइगोट्स की, यानी वैज्ञानिक, ये तो कुछ भी नहीं पूछा गया. और मैथ्स इजी थी, हिंदी बहुत इजी थी, इंग्लिश बहुत टफ था. अच्छा इंग्लिश टफ, इंग्लिश बहुत टफ आया. इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया? इंग्लिश का जो पैराग्राफ था वही समझ में नहीं आया. अच्छा, और उसकी जो लैंग्वेज थी बहुत हार्ड थी. अच्छा, और हिंदी में क्या क्या पूछा गया? हिंदी तो बहुत इजी थी, पैराग्राफ में से आंसर थे बहुत इजी आई हिंदी. आपने कितने समय पेपर कर लिया था? 15 मिनट पहले कर लिया. आपको सबसे टफ क्वेश्चन किस में लगा है? वो मुझे ना इंग्लिश ही लगा है. पेडागोजी सिंपल थी जी हाँ. और मैथ्स कैसी पूछी गई? मैथ्स भी अच्छी थी, मिस तो बहुत इजी लगी मैथ्स. आपका भी बताएं कितना स्कोर किया मैम आपने? मेरे 109 जी हाँ. अच्छा आप बता सकते हो कौन सी कैटेगरी आपकी? मेरी तो जनरल है, निम्बाड़ा से. अच्छा राजस्थान से. अच्छा राजस्थान से 101, फिर राजस्थान आज टॉप ही रहे हो आप. इस एक भैया है मिले 120 वाले, और आप भी राजस्थान से 120. आपने रीड दिया था जी हाँ. कितना स्कोर किया उसमें आपने? उसमें 122 थे मेरे. 122 नंबर मेरा. ये अच्छा है. आप बता सकते हो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी किस तरह क्वेश्चन पूछे? हाँ वो जो पढ़ाई करी ना उसमें से तो नहीं आए. वो जो हम वो पियाजी और वाइगोत्स्की वगैरह इनमें से तो क्वेश्चन आए नहीं. हाँ क्या क्या पूछा गया? मेरे को तो थोड़ी उसकी लैंग्वेज टफ लगी, इंग्लिश की और हिंदी की. अच्छा इंग्लिश में हिंदी, उसमें और अच्छा नंबर मार सकते थे जी हाँ. अगर वो इंग्लिश समझ में आ जाती तो थोड़ी. बाकी तो सब ठीक ही थे. मैथ तो इजी थी बिल्कुल. मैथ्स में क्या क्या पूछा गया? मैथ्स में वो विभाजिता वाला तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया. आप पढ़ाते हो क्या? जी हाँ. क्या आपका सब्जेक्ट क्या? मेरा साइंस है. साइंस है. अब जा मैथ्स बता दीजिए आप. हाँ मैथ्स में तो वो बस वो इंटरचेंज वाले ज़्यादा थे, वो प्लस की जगह माइनस लगाना और वो संख्या को इंटरचेंज. हाँ वो तो ज़्यादा के नियम और ये कुछ भी नहीं आया. जो रोज औसत और ये काम अनुपात वाले थे सवाल. हाँ अनुपात से अनुपात. हाँ वो एक आधा अनुपात का था, औसत का था. प्रतिशत वगैरह से माध्यिका से क्वेश्चन पूछा? नहीं माध्यिका ही नहीं था. माध्यिका भी नहीं था. अच्छा सम्मुख कोण और वो जो आसन्नी कोण उससे एक क्वेश्चन था. रेखागणित का एक पोर्शन. चतुर्भुज वगैरह व्रत वगैरह ये कुछ में से नहीं है. व्रत का था, व्रत और हाँ उसका एक क्वेश्चन था. हाँ वो एक चौड़ाई घटा दी जाए, लंबाई बढ़ा दी जाए, उस तरह के आयत और व्रत आयत का था, एक क्वेश्चन आयत का था. ठीक है. और इसकी बात करते हैं तो अपने EVS में इन्वायरमेंटल स्टडीज किस तरह क्वेश्चन पूछे गए? इन्वायरमेंटल स्टडीज में से वही एक दो सैटेलाइट वाले थे, वो आर्यभट्ट वाला भी था क्वेश्चन और वो विक्रम साराभाई वाले. और हाँ आपने 109 नंबर लेके आया तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत लगी होगी, तो आप अपनी मेहनत बताइए आपने कैसा क्या. मेरे तो इसमें से गेस सही नहीं बैठे नहीं तो ज्यादा. तो किस प्रकार की तैयारी बच्चे करें आप बता दीजिए. आप और अभी तो होंगे हमारी लैंग्वेज में भी. वुमेन में आप टॉपर लग रहे हो. अच्छा और बॉयज में 120 हैं और सेकंड आप 109 और वो भी राजस्थान के. आप भी राजस्थान से हो, निम्बाड़ा से हो आप. और बताइए आप किस प्रकार से तैयारी? बस जैसे कर रहे हैं वैसे. अब ये तो इतना अनप्रिडिक्टेबल पेपर आया है, जो तैयारी करी वो तो आया ही नहीं कुछ. अच्छा नंबर आया 109 पर, तो कहीं कहीं चांस है आपका. और देखा जाए तो अदर स्टेट नहीं लगाते वो तो बिल्कुल. एक मिनट मैम ने अच्छे से रिव्यू दिया है, आप भी कल आओ तो अच्छे से रिव्यू देके जरूर जाइएगा. और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक दो और देख लेते हैं. ठीक है मैम, थैंक यू मैम. और चेक कर लेते हैं, एक दो बहन वगैरह भी आ रही हैं तो उनसे पूछ लेते हैं. मैम पेपर था अभी आपका? पेपर था नहीं? अच्छा अभी है. बेस्ट ऑफ लक मैम. इधर आ जाओ. और ये भैया अभी सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 12 मार्च सेकंड शिफ्ट. आप शाम को लाइव रिव्यू देके जरूर जाइएगा सर. और बेस्ट ऑफ लक आपको, अच्छे से देना पेपर, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से रखना आप. और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जरूर. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.